Hello dear friend, welcome to Varmakon channel. Today I am discussing about the significant figures या significant number या फिर significant digit. ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक आपने 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड वालों ने पढ़ा है, इवन यूपी बोर्ड वालों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज भी इस टॉपिक को लेके बहुत सारे डाउट रहते हैं. ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में आपका कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेगा और आप लिख देंगे. अगर क्वेश्चन इसमें से बनेगा भी तो या तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन देगा, कुछ प्रॉब्लम देगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और एग्जांपल कोई नंबर दे देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, तो इस तरह के आपके पास में न्यूमेरिकल बन सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, है ना, जिसकी कोई अवेलेबिलिटी हो, एप्लीकेबल हो. ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे 120 कोई नंबर लिखा है. ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, इसे हम थोड़ा कर लेते हैं स्पेसिफाई, 1.2 लिखा है यहाँ पे, छोटा सा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे. 1.2 लिखा है. ठीक है, अब वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो बेसिकली यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर है. ठीक है, अब ये कैसे निकला, इसके कुछ रूल्स हैं, है ना, इसके कुछ रूल्स हैं आपके, जिनको समझोगे आप लोग तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेसिमल से पहले की जो वैल्यू होती है, दशमलव से पहले जो वैल्यू होती है, ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू होती है, ये एक्यूरेट फिगर होता है. एंड जो डेसिमल के बाद होती है, आफ्टर डेसिमल या आफ्टर दशमलव, ये आपकी कहलाती है डाउटफुल वैल्यू. ठीक है, तो आपके दो तरह की है, डेसिमल से पहले एक्यूरेट फिगर और डेसिमल के बाद डाउटफुल फिगर. डाउटफुल फिगर मतलब क्या है कि आप डेसिमल के बाद में बहुत सारे रूल्स लगाने पड़ते हैं तब जाकर आपको क्लियर हो पाता है कि वो आपका सिग्निफिकेंट है या नहीं है. लेकिन आपका डेसिमल से पहले सिंपल से दो रूल लगते हैं, ठीक है, जिनके बिहाव पे आप बता सकते हो कि वो सिग्निफिकेंट है नहीं है. जैसे कि अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो को छोड़ के कुछ भी है तो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल से पहले जीरो है तो नॉन सिग्निफिकेंट है. सिंपल से दो रूल है आपके. ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद आपको बहुत सारे मेथड्स या बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं. जैसे कि हम बात कर लेते हैं के बारे में, सबसे पहला रूल आपका यहाँ पे लिखा है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, नॉन जीरो मतलब आपको पता है कि आपकी नंबर्स कितने होते हैं, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, 10 नंबर होते हैं आपके. अब पहला रूल क्या कह रहा है आपका, पहला रूल कह रहा है कि जीरो को छोड़कर, अगर आप जीरो को हटा देंगे तो जो भी बचता है आपका ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट है. अगर मैं आपसे पूछूं 1.24 इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो यहाँ पे जीरो नहीं है. ठीक है, तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, तो पहला रूल आपका क्या कहता है, जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं. गॉट इट. अब हम बात कर लेते हैं दूसरे के बारे में. दूसरा कह रहा है ऑल जीरोस, है ना. अब देखो जीरो तो हमने बोल दिया कि सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन जीरो सिग्निफिकेंट होती है, कब होती है उसके बारे में जान लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले कह रहा है ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, है ना, या ऑल सिग्निफिकेंट फिगर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. दैट मीन ये कह रहा है कि अगर आपके जीरो, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 1.02 है आपके पास में, कि अगर आपके जीरो किन्हीं दो ऐसे नंबर के बीच में आ जाती है जो कि सिग्निफिकेंट है या नॉन जीरो है, तो वो भी क्या काउंट होगी आपकी, वो भी सिग्निफिकेंट होगी. तो इसीलिए यहां पर कितने फिगर हैं, 3, 1, 2, 3. जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है. ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है यहां पर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर. ऑल सिग्निफिकेंट फिगर में आपका नॉन जीरो नहीं आते, ऑल सिग्निफिकेंट में जीरो भी आती है और ऑल सिग्निफिकेंट में आपके नॉन जीरो भी आते हैं. इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, बस आपको यहां पे सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपकी जीरो किन्हीं नॉन जीरो के बीच में आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगी. जैसे कि यहां पे देख लेते हैं 1004, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो यहां पे कितने हैं आपके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि दोनों के दोनों जीरो कहां पर है आपके, बीच में है. ठीक है, दो नॉन जीरो के बीच में है.
अब इसका जो दूसरा पार्ट है आपका ऑल सिग्निफिकेंट फिगर, इसको समझने से पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि सिंपल सा पॉइंट आपका क्या है, देखो जीरो आपकी दो जगह होगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक आपका डेसिमल होता है, पॉइंट होता है, जीरो या तो इससे पहले होगी या जीरो इसके बाद होगी। अगर जीरो आपकी दशमलव से पहले है तो वो हमेशा आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आपका तीसरा रूल कहता है ऑल इनिशियल जीरो, इनिशियल मतलब डेसिमल से पहले, वो सभी क्या होंगे आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होगी, बेझिझक होकर आप उसको नॉन सिग्निफिकेंट काउंट करिएगा। दूसरी बात है, अब बात कर लेते हैं डेसिमल के बाद, क्योंकि मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद आपके बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उसी की बात करते हैं। अगर आपकी जीरो डेसिमल के बाद है तो वहां पर आपकी दो कंडीशन देखी जाती है, ठीक है, अगर आपकी जीरो डेसिमल के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन कब, तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, शुड बी आफ्टर डेसिमल, कि वो जीरो आपकी दशमलव के बाद होनी चाहिए, पहला रूल ये है या पहली कंडीशन ये है। और दूसरा क्या है, शुड बी एट एंड, सबसे लास्ट में होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1.20, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे 1.20। अब इसमें क्या है, पहली कंडीशन क्या है, शुड बी आफ्टर डेसिमल, तो जीरो आपके दशमलव के बाद है, पहला रूल पूरा हो गया। दूसरा रूल क्या है, शुड बी एट द एंड, तो जीरो क्या है आपकी बिल्कुल आखिरी में है, बिल्कुल एंड में है, तो ये भी क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि कुछ समय रुकिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1.00, ठीक है, क्या लिखा है आपके सामने 1.00। अब आप मेरे को बताइएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक है, लेकिन नहीं, सबसे पहला आपका रूल यहाँ पे लगा थर्ड वाला, कि जीरो आपकी डेसिमल में है, डेसिमल के बाद है, और एट द एंड है, तो ये भी क्या हो गई आपकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, समझ गए ना। तीसरा रूल क्या है आपका, ये वाला कि शुड बी आफ्टर डेसिमल एंड शुड बी एट एंड, आखिरी में है और आफ्टर डेसिमल है, तो ये जीरो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब इसी को पकड़ के दूसरा रूल देख लीजिए कि ऑल जीरोस बिटवीन ऑल सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, अब हम नॉन जीरो की बात नहीं कर रहे, अब हम ऑल सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं, तो ऑल सिग्निफिकेंट फिगर में आपका जीरो भी है, तो इन दोनों के बीच में, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो भी जीरो आएगी वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगी, तो इसीलिए यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बट फिर भी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5.200, ठीक है। अब आप मेरे को यहाँ पे बताओगे यहाँ पर आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, चार, कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों है नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिंपल सी बात है, दो तो आपको पता लग गए। अब इन दो जीरो के बीच में देखिए, सबसे पहले आप लास्ट वाले जीरो देखिएगा, ठीक है, लास्ट वाले जीरो में थर्ड अप्लाई करिए, अगर वो आफ्टर डेसिमल है और आखिरी में है तो ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये क्या है आपके दो नॉन जीरो या दो और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर आपकी जीरो आ जाती है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो यहाँ पे आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, चार, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, बड़ा इजी है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल जीरो दशमलव से पहले है तो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगी, टेल जीरो, टेल मतलब एंडिंग जीरो जो बाद में होती है दशमलव के बाद, वहां पर कंडीशन लग जाती है, कंडीशन क्या लगती है कि शुड बी आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद होनी चाहिए, एंड शुड बी एट द एंड, एंड होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए, और इनके बीच में कुछ भी फंस जाए वही क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है रूल नंबर फाइव, क्योंकि हम चार की बात कर चुके हैं, ठीक है। रूल नंबर फाइव क्या है, पावर ऑफ 10 इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। अगर आपकी 10 की पावर में कुछ भी लिखा है, जैसे कि 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15, तो ये हमेशा क्या होगा आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल क्या है आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे सिर्फ आपके दो सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ये है एक ये है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2.400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, सिमिलर सेम एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है,
ये तो हमको पता लग गया कि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पावर ऑफ 10 हमेशा क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे आपके सभी रूल लग जाएंगे। पहला, ये दो तो आपके कन्फर्म है, क्योंकि नॉन जीरो है तो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, सॉरी सिग्निफिकेंट है। इसके बाद लास्ट वाली जीरो आपकी एंड में है और आफ्टर डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। और बीच वाली जीरो आपकी दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। तो यहाँ पर आपके कितने हैं, चार सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, got it? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 6। वैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन एक आपका नोट है। तो नोट में क्या है आपका, फोर प्योर नंबर और कॉन्स्टेंट वैल्यू। आपकी जितनी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपकी, ठीक है, 3 × 8, ठीक है, आई थिंक यही होती है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये हमेशा में इसमें आपको कभी भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट आपकी, एवोगाड्रो नंबर, रोनाल्ड नंबर, ठीक है, और आपका और भी आपके पार्टीशन कोफिशियंट कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, जितने भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं आपकी, वो सभी क्या होती हैं, इनफिनाइट होती हैं। क्या होती हैं, इनफिनाइट होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको कुछ भी आंसर नहीं देना, सिंपल क्या लिखना है कि यहाँ पर इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो दैट मीन जो वैल्यू प्रीडिफाइंड है, जिसको पहले से ही प्रीडिफाइंड कर दिया गया, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ना हुआ है, तो वो क्या होते हैं, हमेशा इनफिनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इन 6 रूल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक जितने भी हैं, सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा रूल क्या है, अगर जीरो आपकी नॉन जीरो के बीच में आ जाती है, जीरो मतलब 1 से लेकर 9 तक के किसी के बीच में आ जाती है, तो वो सिग्निफिकेंट होगी। दूसरा रूल क्या है, अगर जीरो आपकी ऑल सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाती है, ऑल सिग्निफिकेंट में आपका जीरो भी आ जाएगा, है ना, लेकिन वो जीरो कैसी होगी आपकी, आफ्टर डेसिमल होगी और एट द एंड होगी। अगर इनके बीच में आपकी जीरो आ जाती है, तब भी वो सिग्निफिकेंट होगी। इसके बाद जीरो अगर दशमलव से पहले है, तो वो क्या होगी आपकी, हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगी। इनिशियल जीरो आपकी हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगी। इसके बाद अगर आपकी जीरो आफ्टर डेसिमल है, ठीक है, मतलब दशमलव के बाद है, तो दो चीजें देखनी है कि वो क्या आफ्टर डेसिमल है, ठीक है, और दूसरा क्या वो अंत में है, आखिरी में है, तो वो भी क्या होगी आपकी, सिग्निफिकेंट काउंट होगी। इसके बाद रूल नंबर 5 आपका क्या है, पावर ऑफ 10, जो 10 की पावर होती है, 10 की पावर 6, 5 कुछ भी हो सकता है, सबके सब क्या होगा आपका, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, उन्हें काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो आपके कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती है, वो आपकी हमेशा क्या होती है, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट कंटेन रखती है। ठीक है, तो इनफिनाइट कॉन्स्टेंट वैल्यू या प्योर नंबर में आपका हमेशा क्या होगा, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट होंगे। गॉट इट? मुझे लगता है आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। इसको रफ करने से अच्छा है आपको यही समझा देता हूँ। राउंडिंग ऑफ आपने पहले भी पढ़ी है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपका 2.267 है ना, आप क्या करते हो, आप छोटा करने के लिए क्या करते हो, आप ये देखते हो कि 5 से बड़ा है, नहीं है, 2 के बाद जो भी है 5 से बड़ा है। अभी दोनों 5 से बड़े हैं तो 2.3 ऐसे कर देते हो आप लोग। ठीक है, अगर 5 से छोटा है तो नहीं करते हो, है ना, ये करते हो ना, आपने सिग्निफिकेंट फिगर में किया होगा। तो यहाँ पे आपके राउंडिंग ऑफ को लेकर कुछ रूल्स हैं। जैसे कि पहला रूल क्या है, अगर आपकी वैल्यू, ठीक है, लेस देन 5 है, 5 से कम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2.24, और दूसरा एग्जाम्पल है 2.26, ठीक है, तो पहली चीज क्या है आपकी, लेस देन 5, ठीक है, आपकी ये वाली वैल्यू क्या है, 5 से कम है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ देते हैं 2.24 या सिंपल 2.2, कुछ भी ऐड नहीं करने की जरूरत। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो वो सिग्निफिकेंट है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू है, तो आप उसको क्या करते हो, उसमें ऐड कर देते हो, इससे पहले वाली वैल्यू में, प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर देते हो एक मार्कर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपका, पहला रूल लिखा है लेस देन 5, अगर 5 से कम है तो लीव, छोड़ देते हैं,
ठीक है, मोर देन फाइव, पांच से ज्यादा है तो एड वन टू प्रीवियस, उससे पहले वाली में एक मान के जोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बाद पांच ही मिल जाए, देखो यहाँ पे पांच से कम है, यहाँ पे पांच से ज्यादा है, लेकिन कंडीशन अगर आपके ऐसे 2.25, अब न ही पांच से कम है ना ज्यादा है, ये क्या है, पांच ही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपके रूल है। देखो इसके दो रूल है, पहला रूल क्या है आपका, इफ एनी नंबर आफ्टर फाइव, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर पांच के बाद कोई नंबर है, मान लेते हैं पांच के बाद एक है, 2.252, पांच के बाद दो है, 2.253, पांच के बाद तीन है, मतलब कि पांच के बाद कुछ भी नंबर है आपका, तो क्या होगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, समझ रहे हो, क्या करना है, ऐड करना है, ऐड मतलब कि इस सभी के सभी को आपको ऐड कर देना है इसमें, जैसे कि मैंने क्या बोला 2.251, यहां पे पांच के बाद में कोई वैल्यू है, ठीक है, तो इन दोनों को आप एक मान के इसमें जोड़ दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, अगर पांच है तो दो चीजें हैं, या तो उसके बाद कुछ होगा, बाद में कुछ है तो आप उसको एक मान के जोड़ दोगे, लेकिन अगर उसके बाद कुछ नहीं है तो आपको और नियम लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा रूल क्या है आपका, इफ नो नंबर आफ्टर फाइव, अगर फॉर एग्जाम्पल 2.25, ठीक है, अब पांच के बाद कुछ नहीं है, अब क्या करोगे, अब सिंबल क्या करना है, आपको देखना है इससे पहले वाली वैल्यू, ठीक है, पहले वाली वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पे दो कंडीशन आ जाएंगी, अगर आपकी वैल्यू इवन है तो आपको एज इट इज लिख देनी है, अगर आपकी वैल्यू ओड है तो आपको एक जोड़ देना है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर पांच से पहले वाली वैल्यू आपकी इवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें एज इट इज छोड़ देना है, जैसे कि यहां पे क्या है आपका, दो इवन है तो 2.2 सिंपल लिख दीजिए, ठीक है, एज इट इज लिख दीजिए, कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2.25 लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू ओड है, जैसे कि 2.35, तो 3 क्या है आपका यहाँ पे, ओड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तब यहाँ पे आपको एक मान के जोड़ना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2.4, इस 5 को एक मान के जोड़ दीजिए, समझ गए मेरी बात, तो दो रूल है, सॉरी शुरू से बात करते हैं, अगर 5 से कम है कोई वैल्यू तो छोड़ देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, पांच से ज्यादा है तो एक मान के जोड़ देते हैं, लेकिन अगर पांच है, पांच ही आ गया तो दो चीजें हैं, पहले देखना है पांच के बाद कुछ है या नहीं, अगर पांच के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है या कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो एक मान के उसको जोड़ दीजिए, समझ रहे हो ना बात को, तो आप क्या करिए, उस सभी को एक मान के पांच से पहले वाली वैल्यू में जोड़ दीजिए, ये बात जो मैंने कही थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दोबारा एक बार बता देता हूँ, 2.251, ठीक है, या 2.351, ताकि आपने बोला कि सेम सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं, 2.351, यहाँ पे पांच के बाद एक है तो इन दोनों को एक मान के जोड़ देंगे तो 2.4 हो जाएगा, ये बात समझ गए, लेकिन अगर पांच के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका 2.45, पांच के बाद कुछ नहीं है तो दो चीजें देखनी है कि पांच से पहले वाली जो वैल्यू है वो इवन है या ओड है, अगर इवन है तो एज इट इज, एज इट इज, है ना, एज इट इज लिखोगे, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ओड है देन एड वन टू प्रीवियस, उससे पहले वाली में एक मान के जोड़ना है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक बार और समझा देता हूं, 2.45, दूसरा एग्जाम्पल 2.75, इससे पहले वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, इवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एज इट इज 2.45 लिख दीजिए या फिर 2.4 लिख दीजिए, एज इट इज लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो 7 है, पांच से पहले 7 है, ये क्या है आपका, ओड है, इस कंडीशन में क्या करना है आपको, इस पांच को एक मान के इसमें जोड़ देना है, तो 2.8 हो जाएगा, गॉट इट, मुझे लगता है अब आपको पांच से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे कि पांच है तो क्या करना है, पांच नहीं है तो क्या करना है, पांच है तो क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, दैट्स ऑल द क्लियर।
इसके बाद हम थोड़े छोटे छोटे दो और रूल हैं आपके, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिजिट दी गई है मल्टीप्लाइकेशन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, तो आपका क्या होता है मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाई के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में, ठीक है? इन दोनों के लिए आपके सेम रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि वैल्यू आपको दी गई है 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.45, ठीक है? कोई भी आपको वैल्यू दी गई है तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू आ जाती है किसी तीन डिजिट में, जैसे कि x पॉइंट एक्स एक्स एक्स, ठीक है? आप करके देख लेना x पॉइंट एक्स एक्स एक्स। अब आपके डेसिमल के बाद में तीन डिजिट है, ठीक है? अब यहाँ पर रूल क्या लगेगा आपका, आपको ये देखना है तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है। इसके पास में एक सिग्निफिकेंट नंबर है, इसके पास में भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, इसके पास में तीन सिग्निफिकेंट नंबर है। तो सबसे कम क्या है आपका, एक सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल के पास में आपको सिर्फ उतने ही सिग्निफिकेंट रखने हैं, बाकी आप वहां से रिमूव कर दोगे, ठीक है ना? तो x पॉइंट x ये आपका रूल रहेगा। डिवीजन के केस में भी सेम रहेगा, फॉर एग्जांपल x पॉइंट x x डिवाइडेड बाय x, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या है, ऊपर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लेते हैं आपकी वैल्यू आती है x पॉइंट x x x, तीन x आते हैं आपके, ठीक है? तो आपकी सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू किसके पास में है, नीचे वाले के, जिसके पास कितना है एक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोड़ के बाकी को रिमूव कर दोगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई और डिवीजन में रूल लगा सकते हो। देखो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। दूसरा आपकी कैटेगरी क्या है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ठीक है? जोड़ते हुए या घटाते हुए क्या करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी वैल्यू में देख रहे हैं कि सबसे कम किसके पास है। जैसे कि यहाँ पे हमने तीन माने हैं, है ना? इसके पास कितने माने, तीन। हमने डेसिमल के पहले वाला माना, डेसिमल के बाद वाला माना। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जब भी आपका ऐड होने के बाद में या सब्सट्रैक्ट होने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने हैं, डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यू रखनी है, जितनी की, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं इस सिंबल को हटा के यहाँ पे एडिशन का सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है? और अगेन आपकी वैल्यू आ जाती है x पॉइंट x x x, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, ठीक है? ये आ जाती है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, आपको सभी की डिजिट नहीं देखनी है या सभी के सिग्निफिकेंट नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ आफ्टर डेसिमल क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर चेकआउट करने हैं। इसमें आफ्टर डेसिमल कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें आफ्टर डेसिमल एक है, इसमें आफ्टर डेसिमल दो है। तो आफ्टर डेसिमल आपके सबसे कम क्या है, एक, तो आपको एक रखना है। समझ लो क्या डिफरेंस है। मल्टीप्लाई डिवीजन में पूरी की पूरी वैल्यू में सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं, फिर जिसके पास सबसे कम होगा उतनी हम डेसिमल के बाद में रखते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फिर बाद में आपको जिन चीज़ों से मिलेगा, आपको रिजल्ट मिला है, जिन वैल्यू को आपको जोड़ा है या जिन वैल्यू को आपने घटाया है, उनमें ये देखना है कि आफ्टर डेसिमल सबसे कम किसके पास है, ठीक है? फिर उसी के यहाँ पे आपको आफ्टर डेसिमल या दशमलव के बाद उतनी वैल्यू रखनी है, ठीक है? अब आपने ये सब रूल तो पढ़ लिए, ये रूल आपके काम आएंगे न्यूमेरिकल करने में, ठीक है? चलिए हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप लोग करके देखना, कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जिनका कोई सिग्निफिकेंस होता है। डेसिमल से पहले की जो वैल्यू होती है एक्यूरेट वैल्यू होती है, डेसिमल के बाद की वैल्यू आपकी डाउटफुल वैल्यू होती है। एक्यूरेट वैल्यू क्यों होती है पहले वाली, क्योंकि वहाँ पे सिंपल से दो रूल लगते हैं कि अगर वैल्यू आपकी नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, अगर जीरो है बिफोर डेसिमल सिंपल सी बात क्या है आपकी नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन आफ्टर डेसिमल बहुत सारे रूल्स लगते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए भी हैं, ठीक है? इसी वजह से डाउटफुल वैल्यू कहते हैं। सबसे पहला रूल आपका क्या होता है, आर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, दैट मीन कि जीरो को छोड़कर जितनी भी वैल्यू है एक से लेकर नौ तक सभी के सभी क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है? दूसरी बात, आर जीरो बिटवीन नॉन जीरो या ऑल सिग्निफिकेंट फिगर या बिटवीन ऑल सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आपकी दो नॉन जीरो के बीच में आ जाती है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी, अगर जीरो आपकी सभी के सभी
उसके दोनों तरफ क्या है, किसके बीच में आती है, सिग्निफिकेंट फिगर के। अब सिग्निफिकेंट में आपका जी जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है। जीरो कब बनेगी आपकी सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल, जब वो लास्ट में होगी। जैसे कि आपका चौथा रूल है क्या है, या तो बिल्कुल लास्ट में हो और आपके आफ्टर डेसिमल हो, है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपकी ये जीरो है, ये आपके सिग्निफिकेंट कब बनेगी, या तो ये किन्हीं दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए, 204 जो आपके सिग्निफिकेंट हो गए, या आपकी 200 2.00, तो ये तब भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, क्योंकि ये जो लास्ट वाली जीरो है ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गई अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर जीरो आपके आफ्टर डेसिमल है और सबसे लास्ट में है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। इसके बाद रूल नंबर 3, जीरो अगर आपके डेसिमल से पहले है जैसे कि 0.12, तो ये क्या है आपकी नॉन सिग्निफिकेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट, दैट इज द 1 4 2 2 सिग्निफिकेंट नंबर। इसके बाद रूल नंबर 5 आपका क्या है, पावर ऑफ 10, 10 की पावर में आपका कुछ भी लिखा हो, 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4, कुछ भी समथिंग एल्स, तो वो सभी क्या होंगे आपके नॉन सिग्निफिकेंट, उनको काउंट नहीं करते। इसके बाद कॉन्स्टेंट वैल्यूज, आपकी जितनी भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, आपकी ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट होता है, आपके अवोगाड्रो नंबर होते हैं, आपके रोनाल्डो नंबर होते हैं, ठीक है, प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, जितने भी कॉन्स्टेंट है आपके, सभी के पास क्या होती है, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती है। तो कुछ नहीं देखना वहाँ पे, सिंपल क्या करना है, इनफिनाइट वैल्यूज आपको बता देना है, ठीक है। इसके बाद में आपके मैंने कुछ राउंडिंग ऑफ के नियम बताए थे, ये आपके सिग्निफिकेंट इधर बोले, ये राउंडिंग ऑफ के हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब है घटाना बढ़ाना। 5 को लेंगे आपके 3 रूल है, अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू है तो 1 मान के जोड़ देंगे, है ना, जैसे कि आपकी 2.26, 5 से ज़्यादा है तो 1 मान के आपका 2.3 हो गया, लेकिन अगर आपके 5 से कम है 2.24 है, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, या आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 से कम है, कम वैल्यू है इसकी। तीसरा रूल क्या है आपका, अगर 5 ही मिल जाए आपका, ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ क्या देखनी है कि क्या 5 के बाद में कुछ है, जैसे कि यहाँ पे 5 के बाद में 1 है, तो इन दोनों वैल्यू को आप 1 मान के 2 में जोड़ दीजिए, 2.3, गॉट इट। लेकिन अगर 5 के बाद में कुछ नहीं है, 2.25 जैसे कि ऊपर लिखा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इससे पहले वाली वैल्यू आपको चेक आउट करनी है कि क्या ये इवन है, क्या ये ओड है, ठीक है। इवन वैल्यू मतलब जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, और ओड मतलब जो 2 से कटने के बाद में 1 आपका रिमेनिंग रहे, शेष रहे, ठीक है, या 2 से ना कटे कम्प्लीटली। तो इवन वैल्यू अगर आपकी है तो आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है, एज इट इज मतलब कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एज इट इज लिख दीजिए। अगर ओड है आपकी तब आपको ऐड करना है, 1 उसमें जोड़ दीजिएगा। तो ये आपके 5 के रूल्स हैं। इसके बाद मैंने बात की है कुछ रूल्स आपके मल्टीप्लाइकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। दोनों में रूल सेम है आपके, बस मल्टीप्लाइकेशन में आपको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए कम्प्लीटली, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए कम्प्लीटली, बाद में आपको आफ्टर डेसिमल उतनी वैल्यू रखनी है जितनी, फॉर एग्जाम्पल आपने ए बी सी 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, इसके पास में आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, और आपकी वैल्यू आ गई डी, ठीक है, और मान लेते हैं डी के पास में आपके 1 2 3 4 इस तरह से कोई वैल्यू है, डी 0.1234। अब आपको डेसिमल के बाद में कितना रखना है, जितना इन तीनों में सबसे कम जिसके पास सिग्निफिकेंट नंबर होगा, इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 2 रखना है, बाकी को हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको डिवाइडेशन में करना है, ए एंड बी, आपने ए को बी से डिवाइड किया, ए के पास में 5 सिग्निफिकेंट नंबर है लेकिन बी के पास में 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, वैल्यू आपकी आ जाती है डी 0.12345, इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है। अब सबसे कम किसके पास में है, बी के 2 है, तो बाकी को हटा दीजिए, 2 रखिए डेसिमल के बाद में, ठीक है, तो आपका रूल हो जाएगा एडिशन और डिवीजन का। इसके बाद है सॉरी मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन का। एडिशन के लिए आपका क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन में आपने क्या देखा, टोटल वैल्यू देखी कि बिफोर डेसिमल आफ्टर डेसिमल सबको काउंट किया आपने कि सबसे कम किसके पास में है, लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद में आपको क्या करना है, आफ्टर डेसिमल चेक करना है ओनली,
कि आफ्टर डेसिमल सबसे कम किसके पास है, ठीक है? तो आफ्टर डेसिमल सबसे कम जिसके पास होंगे या जितने होंगे उतने ही आपको रिजल्ट के बाद में रखना है। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, तीन चीज़ों को आपने जोड़ा, इसके पास दशमलव के बाद दो नंबर है, दो सिग्निफिकेंट नंबर है, इसके पास दशमलव के बाद तीन सिग्निफिकेंट नंबर है, इसके पास दशमलव के बाद चार सिग्निफिकेंट नंबर है, और वैल्यू आपकी आती है डी पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई वैल्यू आपके आ रही है। अब आपको क्या करना है, आफ्टर डेसिमल देखना है। तो आफ्टर डेसिमल किसके पास है, बी के पास कम है, यानी कि दशमलव के बाद वाली वैल्यू, तो आपको दशमलव के बाद उतने ही रखने हैं। ए के पास दो है सबसे कम है, तो आप दो रखोगे यहाँ पे, समझ रहे हो ना? जैसे कि देखो 4.1, 4.22, 4.33, 33, ठीक है? तो आफ्टर डेसिमल इसके पास कम है, इसके पास सिर्फ एक है, तो उसी के ब्याह पे आपको रखना है। ऐसे ही आपको एडिशन में करना है, ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में करना है। एंड आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, ठीक है, आप इसके प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड थैंक यू सो मच।